सिवनी में गेहूं की फर्जी तौल पर्ची बनाकर वेयर हाउस में जमा करने का मामला सामने आया। इस मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अनाज के गोलमाल करने का खेल धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। सिवनी के भीमगढ़ सोसाइटी से 560 बोरी गेहूं से भरा ट्रक गायब हो गया। बताया जा रहा है कि जैन वेयर हाउस के कर्मचारियों की शॉर्टकट से बालाघाट के व्यापारी ने 280 क्विंटल गेहूं की फर्जी तौल पर्ची बनाकर वेयर हाउस में जमा करा दी, लेकिन जब वेयर हाउस के संचालक सुधीर जैन ने गोदाम में जांच पड़ताल की तो गेहूं के गोलमाल का मामला सामने आया। थाने में शिकायत करने पर इसे फूड विभाग का मामला बताया गया। वहीं इसकी सूचना गेहूं खरीदी प्रभारी डीएमओ हीरेंद्र रघुवंशी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी एसके मिश्र एवं वेयर हाउस कॉरपोरेशन के शैलेश उपाध्याय को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। बात संज्ञान में आई थी, गोदाम मालिक ने जब अपनी गोदाम की जांच की तो उसको पता चला कि एक ट्रक जो है कम आया है उसके यहाँ, और उसने जो लड़के लगाए थे तो वो लड़कों ने जिसने बदमाशी की थी उनको पकड़ लिया हमने, और उसके बाद हमने उनको बोला कि ये आप ले जाके इसको थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, और वो गए हुए हैं और इस मामले की जाँच की जाएगी शासन के द्वारा, फिर उसमें आवश्यकतानुसार FIR दर्ज कराई जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।